हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। तो आज का दिन स्टार्ट होएगा पानी पीकर। मैं जस्ट उठी हूँ डोरबेल से, मेरा एक मीशो से पार्सल आया है, मैं दिखाऊंगी आपको आगे क्या आया है। बट अभी सबसे पहले मैं पीऊंगी पानी। हाइड्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड आई मेक दिस अ हैबिट कि मैं उठते ही एक लीटर के आसपास पानी पी लूँ। मतलब अगर मैं याद आता ना, मेरे पापा भी पीते थे, मेरे दादाजी भी पीते थे एंड दे हैड अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट्स फॉर दैट। दोनों ही अच्छे खासे मतलब हेल्दी थे और बहुत ज़्यादा फुर्तीले थे एंड ऑल्सो स्किन बहुत अच्छी रहती है। सो आई एम गोइंग टू ड्रिंक एटलीस्ट 1 लीटर ऑफ वाटर नाउ। और गर्मी भी, हाइड्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी भी है और उसे सुकून भी मिलता है। सो लेट्स ग्रैब वाटर फर्स्ट। तो जैसे मैंने बताया हुआ है, एक मीशो का पार्सल आया हुआ है एंड ऑल्सो एक ब्लिस क्लब से भी मेरा पार्सल आया हुआ है। कल परसों ही आया था, सो आई विल बी शोइंग दैट एज वेल। मैं जैसे आज वी विल बी गोइंग टू द जिम, तो तब मैं आपको दिखाऊंगी कि वहाँ ब्लिस क्लब से क्या आया है। उसको ओपन मैंने कर लिया बट ट्राई नहीं किया है अभी तक, सो आई विल बी ट्राइंग इट विद यू गाइज एंड सी कि वो कैसा लगता है। सो आई हैव गॉट सम थिंग फॉर द जिम एंड लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। और मीशो से भी मेरा एक आपको हिंट दे देते हैं, कोट सेट आया है तो फॉर ऑफिस गोइंग टाइप का मुझे चाहिए था, तो वो भी देखेंगे। वो भी मैंने ट्राई नहीं करा है, खोल लिया है, ट्राई नहीं करा है, वो भी मैं आपके साथ ट्राई करूँगी। सो उसके लिए वेट करते हैं। सो आई हैव जस्ट फिनिश ड्रिंकिंग वाटर और मैं नहाने जा ही रही थी, जस्ट जाने वाली थी कि ये पार्सल्स आए हैं मीशो से। ये मेरे पार्सल्स हैं नहीं, मेरे हस्बैंड के पार्सल्स हैं, सो ही विल बी ओपनिंग दोज। बट मैं अभी नहाने जाऊँगी। हाँ, उससे पहले आई विल बी मेकिंग माई प्रोटीन शेक, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट में प्रोटीन शेक ही लेती हूँ। दैट्स माई लाइक मील, फर्स्ट मील, एंड आई एम ऑन अ कैलोरी डेफिसिट डाइट, तो मोस्टली लिक्विड्स ही रहता है। क्योंकि आज टिपिकल डे आप देखोगे जैसा कि होता है मेरा, नाउ पहले प्रोटीन शेक बनाएंगे। So I use as it is का protein powder। ये इनका isolate वाला है, let me just, yeah, whey protein isolate। और I'm okay with this। बहुत सारे flavors भी आते हैं, वो भी ले सकते हो, जैसे मेरे husband लेते हैं। So but I prefer simple वाला। और इसमें ना टेस्ट भी ठीक है, मतलब ऐसा कोई अजीब सा टेस्ट नहीं है। सो इट इज़, इट फील्स ओके टू हैव इट। सो आई विल बी हैविंग दिस वन। सो आई एम गोइंग टू पोर। अब इस पे पानी भर लेते हैं। लेट्स जस्ट मिक्स इट रियल क्विकली। ये आप देख रहे हो एकदम क्लियर सा जो आता है, अभी तो ये थोड़ा घुल जाएगा ना तो और क्लियर हो जाएगा। ये बहुत सही है बिल्कुल। मतलब इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम टेकिंग प्रोटीन तो आप ये वाला ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल भी बकबका नहीं लगता एंड आपको पता भी नहीं चलेगा आपने पी लिया, एंड ऑफ कोर्स यू गेट गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन। सो इसको मैं सेट करने के लिए रख देती हूँ। ये आप देख सकते हो बिल्कुल, ये मैं मिक्स कर रही हूँ, बिल्कुल क्लियर हो गया है, पीने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं करता है एंड इट टेस्ट्स ओके, क्योंकि कोई फ्लेवर नहीं है। तो पहले करते हैं अपना ये ब्रेकफास्ट। तो मैं नहा धो के एकदम रेडी हो चुकी हूँ। स्किन केयर अभी मैंने करा नहीं है क्योंकि मेरे को अपना ब्रेकफास्ट करके जाना है किचन में खाना बनाने, तो इसीलिए अभी मैं उसके बाद करूँगी। सो दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट प्रोटीन शेक। हाँ, ये इससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मीशो से क्या आया है। ये कॉट सेट आया है ब्लैक कलर का, दिस इज़ परफेक्ट फॉर ऑफिस गोइंग। ये मैं भी आपको पहन के दिखाऊंगी, पर ऐसा कुछ ये दिखता है, यहाँ पे आपको फ़ोटो दिख जाएगी।
सो आफ्टर हैविंग माई ब्रेकफास्ट आई विल बी ट्राइंग दिस आउट और मैं आपको शो करूँगी, तो आप मुझे बताना कि कैसा लग रहा है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। दिख तो बहुत अच्छा रहा है, ब्लैक कलर है, बहुत प्यारा लग रहा है एंड फिट भी ठीक है। मुझे तो कोई प्रॉब्लम सी नहीं लग रही। आप मुझे कमेंट्स में बताना हाउ डू यू लाइक इट। ऑल्सो ये काफ़ी ऑफिस गोइंग लुक, फॉर्मल टाइप का है तो काफ़ी अच्छा लगेगा ऑफिस के लिए। और इसमें बहुत सारे और भी कलर ऑप्शंस हैं, सो आई विल बी ट्राइंग दोज एज वेल। देखूंगी मंगा के, अभी तो मैं चिराग को दिखाऊंगी, उसके बाद आई विल डिसाइड व्हाट टू डू। और मुझे ऐसा लग रहा है यार, ये मुझे एक साइज़ छोटा भी आ जाएगा, बिकॉज ये स्लीव्स देखो कहाँ जा रही है, बिकॉज ऑफ माई वेस्ट एंड हिप्स। मुझे एक साइज़ बड़ा मंगाना होता है, स्पेशली हिप्स के वजह से बड़ा मंगाना पड़ता है। तो मुझे ये लग रहा है यार, अगर थोड़ा, क्योंकि आई एम ऑन द जर्नी टू लूज़ फैट एंड वेट बोथ, तो अगर वो लूज़ हो गया तो फिर क्या, वो फिर तो ये बिल्कुल ही ढीला हो जाएगा। सो आई विल आस्क हिज ओपिनियन एंड देन डिसाइड करता है। बट अभी के लिए दिस इज़ लुकिंग नाइस, काफ़ी पॉइज सा लुक दे रहा है। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको ये कैसा लग रहा है मेरे ऊपर, तो मैं फिर और भी ऑर्डर करूँगी। और काफ़ी अच्छे अच्छे कलर्स हैं, मैजेंटा है, थोड़ा सा टील भी है, ब्राउन भी है। सो आई एम थिंकिंग टू ऑर्डर मैजेंटा वाला, तो आई एम नॉट श्योर कि कैसा लगेगा, बट अभी के लिए दिस फिट्स रियली नाइस। और ऐसा सच कोई गर्मी भी नहीं लग रही है, ऑफिस के लिए पर्टिकुलरली मैंने लिया है तो वहाँ तो प्रॉपर एसी चलता है, सो नथिंग टू वरी ऑन दैट पार्ट। बट मैं चिराग को दिखाऊंगी, फिर मैं डिसाइड करूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है एक छोटा आ जाएगा साइज़, ऊपर का छोटा चाहिए, नीचे का तो ठीक है, बट लेट्स सी, वो होता नहीं है ना। ठीक है, अभी के लिए तो अच्छा लग रहा है। सो नाउ हम चलेंगे किचन में, आज बनने वाले हैं राजमा, तो चलिए उसकी रेसिपी मैं आपको दिखाती हूँ। फटाफट चलते हैं क्योंकि उसके बाद भाई मेरे को रेस्ट करना, बहुत गर्मी हो रही है। लेट्स गो। जब तक राजमा हो रहे हैं मैं कर लेती हूँ अपना स्किन केयर, क्योंकि बस मेरे ख्याल से दो चार सीटी और ये हो जाएंगे, फिर मैं जाऊँगी थोड़ी देर रेस्ट करने, बहुत पसीना आ रहा है। सो राजमा इज़ रेडी और मैंने भी अपना स्किन केयर कर लिया है। नाउ आई एम गोइंग इनसाइड द रूम, क्योंकि चिराग इज़ स्लीपिंग राइट नाउ। रात को काफ़ी काम था उनके पास ऑफिस का, तो इसीलिए सुबह सोई हैं 7 बजे। सो इसीलिए मैं भी जा रही हूँ, थोड़ा रेस्ट करूँगी, देन आई गेट अप फॉर माई लंच, बिकॉज ब्रेकफास्ट इज़ डन एंड चिराग ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, वो स्किप करते हैं ब्रेकफास्ट, ही विल डाइव इन टू लंच। तो मेरा रेस्ट हो चुका है अच्छे से एंड अब मैं अपना सेकेंड मील प्रिपेयर कर रही हूँ। उससे पहले आई लव हैविंग वन क्यूकम्बर, ये रिच इन फाइबर है, तो जो पैटर्न चलता है खाने का, सबसे पहले आपको फाइबर खाना चाहिए, देन प्रोटीन एंड देन कार्ब्स। तो सबसे पहले फाइबर खाएंगे, देन फॉर माय लंच मैं लेती हूँ 100 ग्राम्स ऑफ हाई प्रोटीन पनीर,
अमूल का आता है पैक में, मैं अभी आपको दिखा दूंगी। उसको थोड़ा सा बस तवे पे सॉटे करके घी डाल के मैं प्रेफर करती हूँ, ताकि बॉडी में थोड़ी ग्रीसिंग हो जाए, तो घी थोड़ा ज़रूरी है। उसमें थोड़ा सॉटे करके थोड़ा चाट मसाला स्प्रिंकल करके उसके साथ आई हैव होल व्हीट वन ब्रेड, नो मैदा ब्रेड होती है, तो उसमें कैलरीज भी कम होती हैं। वही यही मेरा स्टेपल लंच है फॉर नेक्स्ट आई थिंक एटलीस्ट 45 डेज। मैं स्ट्रेट यही खाने वाली हूँ, ताकि इससे ना जल्दी वेट लॉस होगा। तो पहले मैं ये खा लेती हूँ एंड देन मैं आपको अपनी प्लेट दिखाऊँगी बनाकर। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस हाई प्रोटीन पनीर, अमूल की तरफ से आता है एंड इसमें काफ़ी अच्छी अमाउंट में आपको प्रोटीन मिल जाता है। मेरा टारगेट रहता है अराउंड 55 ग्राम्स तक प्रोटीन पूरा करना होता है मेरे को पूरे दिन में, क्योंकि वो मेरे को आइडियल वेट चाहिए अपना, जस्ट इसीलिए। बट दिस इज़ ऑल्सो लाइक टेस्ट्स वेरी गुड, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको सब बनाते हैं देन मैं आपको अपनी प्लेट दिखाऊँगी। सो हेयर इज़ माई लंच, थोड़ा सा चल गया है भाई, कोई बात नहीं। सो ये मैं खाने वाली हूँ, बिकॉज आई ऑलरेडी हैड खीरा, तो उसको भी खाया हुआ आई थिंक 15-20 मिनट्स तो हो ही गए हैं। नाउ आई एम गोइंग टू ईट पहले ये पनीर सॉटे हुआ, देन ये होल व्हीट ब्रेड एंड दैट्स इट फॉर माई लंच। तो मैं इसको इंजॉय करती हूँ और फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ। सो आई एम डन विद द लंच। बहुत ही फुलफिलिंग रहता है व्हेन यू ईट प्रोटीन ना, बहुत पेट भर जाता है। और उससे पहले खीरा खाया हुआ था तो वो डबल आपकी भूख को ना कम कर देता है, भर देता है ना, पेट तो मन नहीं करता फिर कुछ खाने का। सो नाउ मेरा अब लास्ट मील होगा आफ्टर 3 आवर्स ओनली, वो मैं आपको बताऊँगी कि मैं क्या लेती हूँ डिनर में। ऑन यूजुअल डेज यही मेरा डेली रहने वाला है फॉर नेक्स्ट, एज मैंने मेंशन करा था पहले व्लॉग में कि 45 डेज के लिए मैं यही स्ट्रेट खाऊंगी, देखती हूँ कितना कम होता है। और अभी मैं जा रही हूँ चिराग के लिए मील को असेंबल करने, बना तो लिए थे राजमा एंड थोड़ा सा किनुआ रखा हुआ है, तो वो मैं असेंबल करके इनको दूंगी। पहले गर्म कर लेते हैं फिर असेंबल करेंगे। अब शाम हो गई है एंड मेरा होने वाला है डिनर टाइम। मैं 6:30 मैं डिनर अपना ले लेती हूँ, उसके बाद आई डोंट ईट एनीथिंग। अगर मुझे भूख लगती है आई प्रेफर हैविंग वाटर या अजवाइन का पानी, जीरे का पानी, सौंफ का पानी, ऐसा कुछ मैं ले लेती हूँ। द लास्ट मील आई हैव इज़ एट 6:30 और मैक्सिमम 7 PM, उससे ज़्यादा लेट मैं नहीं करती हूँ। तो अभी 6:30 बज गए हैं, मैं जा रही हूँ अपने लिए प्रिपेयर करने डिनर, जो बहुत हाई एंड नहीं है। मैंने आपको बताया था मैं लिक्विड डाइट पे मोस्टली रहने वाली हूँ थ्रू आउट एटलीस्ट 45 डेज। तो मैं करती क्या हूँ, 250 ml मैं लेती हूँ मिल्क, ठंडा गर्म डिपेंडिंग अपॉन द मूड। आज ठंडा पीने का मन है तो ठंडा दूध, और उसमें थोड़ी सी कॉफ़ी, क्योंकि मुझे कॉफ़ी पसंद है, तो मैं 1-1.5 ग्राम के आसपास इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर डालती हूँ ग्राइंडेड, और गरम पीना है तो वैसे मिक्स करके आई हैव इट। अभी मैं जा रही हूँ उसको प्रिपेयर करने एंड अलॉन्ग विद दैट आई हैव 2 almonds, दिस विल बी माई डिनर। तो चलिए प्रिपेयर करते हैं। बेबी सोच रहे होगे भाई तो शाम होगी जिम कब जाने वाले हैं, तो आज हम जिम जाएंगे रात को, क्योंकि हम लोग बहुत थके हुए थे, ऑफिस का काम काफ़ी हो जाता है, तो इसीलिए सुबह लेट उठे मैं सब प्रिपेयर करके दोबारा मैं सो गई थी। तो डिडंट वांटेड टू स्ट्रेस बॉडी, और कभी भी अपने बॉडी को स्ट्रेस नहीं करना चाहिए। व्हेन एवर यू आर गोइंग टू द जिम मेक श्योर आपकी जो बॉडी है कंप्लीट रेस्टेड हो। अच्छे से रेस्ट करोगे ना तो आप वहाँ पे जोर भी ज़्यादा मार पाओगे। तो इसलिए अब मैं डिनर कट के और फिर मैं चेंज करूँगी और तब मैं आपको दिखाऊँगी जो ब्लिस क्लब से आए हुए हैं। मैंने 3 bottoms मंगाए थे, वो मैं एक पहनूँगी आज एंड वो मैं आपको दिखाऊँगी कैसा लग रहा है। सो लेट्स मी हैव माई डिनर फर्स्ट।
सो आई गॉट दीज थ्री अल्टीमेट लेगिंग्स फॉर माई जिम वेयर. ये मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुकी हूँ तो फिट इज़ गुड. और मेरा है ये एल साइज़ में तीनों. सो टुडे आई विल बी वेयरिंग ब्लैक कलर. इसके साथ मैं पेयरअप करूँगी और इसको भी मैं बताऊँगी कैसा. इसका सबसे अच्छी पता है बात क्या है, मैं आपको बताती हूँ. फर्स्ट थिंग, एक तो ये हाई वेस्ट है. सी लुक, ये हाई वेस्ट है, पूरा आपके टमी एरिया को कवर कर देता है ये वाला सेक्शन. एंड देन दिस इज़ ब्रीदेबल, मतलब अगर स्वेट भी होगा तो वो आराम से आपका उड़ जाएगा, यू विल बी कम्फर्टेबल. सेकेंड, इट हैज़ अ बैक पॉकेट यहाँ पर, अगर आपको दिख रहा होगा तो. सॉरी, बैक पॉकेट ये रही बैक पॉकेट यहाँ पे है. एंड ऑल्सो ये स्ट्रेचेबल स्टफ़ है, ये स्ट्रेचेबल है. सो इट बिकम्स वेरी ईजी टू वेयर और बहुत ही आसानी से आई ग्लाइड इन टू दीज. तो ये मैं पहनूंगी, देन मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा लगेगा. जस्ट लुक एट दैट फिट गाइज, गॉड दिस इज अमेजिंग फिट. और ये इतना ब्रीदेबल है, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मुझे लग ही नहीं रहा मैंने कुछ पहना हुआ है. ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इट्स सुपर कम्फर्टेबल एंड इट्स वेरी मच ब्रीदेबल, स्किन फ्रेंडली. बहुत ही प्यारा फैब्रिक है. रियली लाइक दिस डिटेलिंग जो मैंने बताई थी, हाई वेस्ट. मेरे को हाई वेस्ट ही पसंद है, वैसा ही है ये. इट्स अमेजिंग. सो नाउ आई एम जिम रेडी एंड चिराग ऑलरेडी नीचे जा चुके हैं. सो आई एम ऑल्सो गोइंग नाउ. सो अब मैं मिलूँगी सीधा आपको जिम में. तो हम लोग घर आ चुके हैं जिम से, नॉट जिम से, मैकडोनल्ड से. चिराग हैड हिज लास्ट मील ऑफ द डे. अब कोई भी ना मैं खाने वाली हूँ, मेरा तो ऑलरेडी 6:30 हो गया था. और जस्ट अभी हम लोग घर आए हैं. काफ़ी हेक्टिक हो गया आज रात को, क्योंकि जिम गए हम, पूरा दिन काफ़ी निकल गया. सो वी नीड टू गेट बैक ऑन दैट रूटीन की सुबह ही जाएँ. तो अभी तो चलो चल गया, बट हम उस रूटीन में वापस ज़रूर आएंगे धीरे धीरे करके. एंड या दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ व्लॉग. आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना. एंड यस, आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम इन माय नेक्स्ट व्लॉग. तब तक के लिए बाय.